अर्जुन, भीम और नकुल तीनों पार्टनर्स हैं इन रेशियो 14:5:6। भीम रिटायर हो गया एंड ही गिव्स 5/25 ऑफ हिज शेयर टू अर्जुन एंड बैलेंस ऑफ हिज शेयर टू नकुल। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज और सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years आर ₹50,000, ₹55,000 एंड ₹60,000 एंड द नॉर्मल प्रॉफिट इज ₹30,000। ओल्ड गुडविल अपियर्ड इन द बुक्स एट ₹75,000 एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ न्यू पार्टनरशिप इज ₹1,00,000। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू द अबव इंफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन में करना क्या क्या है वो समझ लीजिए। आपको क्वेश्चन में ये बता रखा है कि जो भीम है वो रिटायर हो गया है और वो 5/25 ऑफ हिज शेयर जो है वो अर्जुन को दे रहा है। याद रखिएगा बच्चों, 5/25 ऑफ हिज शेयर, और अपना बचा हुआ शेयर जो है वो नकुल को दे रहा है। गुडविल जो फर्म की निकालनी है वो ऐसे निकालनी है, 2 years परचेज और सुपर प्रॉफिट, और ये बेस्ड होगा एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। आपको पिछले 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं ताकि आप एवरेज प्रॉफिट निकाल सकें। आपको नॉर्मल प्रॉफिट भी दे रखा है ताकि एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करके आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकें, फिर आप अपने गुडविल भी निकाल सकें। आपको ₹75,000 ओल्ड गुडविल दे रखी है जो पहले से अपीयर कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है इन द बुक्स या इन द बैलेंस शीट। फिर आपको प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर दे रखा है ऑफ न्यू फर्म, भीम के रिटायरमेंट के बाद जो पहला साल फर्म ने काम किया होगा उस साल का प्रॉफिट आपको दे रखा है ₹1,00,000। तो आपको यहाँ पर बच्चों कौन कौन सी एंट्रीज पास करनी होंगी पहले वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको गुडविल जो पहले से अपीयर कर रही है उसको राइट ऑफ करना होगा। फिर जो गुडविल वैल्यू करी जाएगी ऑन भीम्स रिटायरमेंट उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी, जिसके लिए भीम जो कि रिटायर हो रहा है वो तो क्रेडिट हो जाएगा अपने हिस्से ही गुडविल से, और इसके हिस्से ही गुडविल को हम अर्जुन और नकुल में डेबिट कर देंगे इन देयर गेनिंग रेशियो। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमें एंट्री बनानी होगी फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जो कि ₹1,00,000 है इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अर्जुन एंड नकुल। तो इस क्वेश्चन में बच्चों नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना बहुत जरूरी है, साथ के साथ हमें गेनिंग रेशियो निकालना भी बहुत जरूरी है ताकि जो गुडविल वैल्यू करी जाएगी ऑन भीम्स रिटायरमेंट उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास की जा सके। ठीक है बच्चों, तो आइए एंट्रीज करने से पहले हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं ऑफ द पार्टनर्स और वैल्यूड गुडविल ऑफ द फर्म निकाल लेते हैं, फिर हम अपनी सारी एंट्रीज बना लेंगे एक साथ। तो बच्चों जितना भीम अर्जुन को दे रहा है अपने हिस्से का वो अर्जुन का गेन हो जाएगा। तो अर्जुन का गेन होगा 5/25 ऑफ भीम्स शेयर, और भीम का शेयर खुद भी है 5/25, तो 5/25 ऑफ 5/25 इज द गेन ऑफ अर्जुन। 5/5 = 25, 25/25 × 25। ठीक है बच्चों, 25 से एक 25 काट दीजिए, अर्जुन का गेन आ गया 1/25। अब यहां पर एक बात समझिएगा बच्चों, बहुत काम की बात है ये। अगर भीम 5/25 ऑफ हिज शेयर अर्जुन को दे रहा है, इसका मतलब वो 20/25 ऑफ हिज शेयर जो कि है 5/25 वो नकुल को दे रहा है। अगर वो 5/25 ऑफ हिज शेयर अर्जुन को दे रहा है तो इसका मतलब वो 20/25 ऑफ हिज शेयर नकुल को दे रहा होगा। ठीक है बच्चों, इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे बच्चों, यह आ जाएगा 4/5, 5 से 5 काट दीजिए, यह आएगा 4/25। तो ये आ गया बच्चों नकुल का गेन। इन दोनों के गेन को कंपेयर करके इनका गेनिंग रेशियो हम यही निकाल सकते हैं जो कि आ गया 1:4। अब अर्जुन और नकुल दोनों का नया शेयर निकाल लेते हैं। अर्जुन का नया शेयर है उसका पुराना शेयर जो कि 14/25 है प्लस उसका गेन जो कि 1/25 है, उसका नया शेयर आ गया 15/25। ये बात समझ में आ गई ना बच्चों, अगर वो 5/25 ऑफ हिज शेयर अर्जुन को दे रहा है तो अंडरस्टूड है वो 20/25 ऑफ हिज शेयर नकुल को दे रहा होगा।
ठीक है बच्चों, अर्जुन का नया शेयर हमने निकाल लिया, उसके पुराने शेयर में उसके गेन को प्लस करके नकुल का नया शेयर निकाल लेते हैं। नकुल का नया शेयर भी ऐसे ही आएगा, उसके पुराने शेयर में जो कि है 6/25 प्लस कर देंगे हम 4/25, ये आ जाएगा 10/25। तो इनका नया शेयर आ जाएगा 15/25:10/25, या फिर हम कह सकते हैं 15:10, या फिर हम कह सकते हैं 3:2, ये हो गया इनका नया रेशियो। तो नया रेशियो भी ढूंढ लिया बच्चों, और गेनिंग रेशियो भी ढूंढ लिया हमने इन सभी पार्टनर अर्जुन और नकुल का, है ना बच्चों। आइए अब निकाल लेते हैं वैल्यूड गुडविल ऑफ द फर्म। तो बच्चों वैल्यूड गुडविल निकालने के लिए पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, तो वो आएगा 50,000 + 55,000 + 60,000, तीनों साल के प्रॉफिट को जोड़ के अपॉन 3 कर दीजिएगा, एवरेज आ जाएगा 55,000। फिर निकालिए सुपर प्रॉफिट, उसके लिए एवरेज प्रॉफिट जो कि 55,000 है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट जो कि 30,000 है उसे माइनस कर दीजिए, सुपर प्रॉफिट आ गया 25,000। रही बात गुडविल की बच्चों, तो गुडविल आपका आ जाएगा सुपर प्रॉफिट जो कि ₹25,000 है इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो कि 2 है, तो पूरे फॉर्म की गुडविल आ गई ₹50,000। और जो भीम रिटायर हो रहा है तो भीम के हिस्से ही गुडविल अगर आपको निकालनी है तो 50,000 × 5/25 यानी कि 1/5 जो कि आ जाएगा 10,000। तो ये हो गई बच्चों भीम के हिस्से ही गुडविल। क्लियर बच्चों, आइए अब जो है अपनी जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं। अब हमने जो जो कैलकुलेट करना था वो कर लिया। सबसे पहले बच्चों पुरानी गुडविल राइट ऑफ करेंगे, तो उसके लिए अर्जुन भीम और नकुल तीनों के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। पुराने गुडविल राइट ऑफ करने के लिए पुराने पार्टनर्स अपने पुराने रेशियो में डेबिट हो जाते हैं और गुडविल अकाउंट जो है वो क्रेडिट कर दी जाती है। पुरानी गुडविल है बच्चों ₹75,000, इसको जब आप इनके पुराने रेशियो में बांटेंगे 14:5:6 में, तो 14 + 5 + 6 होता है 25, 75,000 / 25 होता है 3,000, 3,000 × 14 होता है 42,000 × 5 होता है 15,000 × 6 होता है 18,000। ठीक है बच्चों, अब वैल्यूड गुडविल के लिए आपको अर्जुन और नकुल को डेबिट करना होगा और भीम को क्रेडिट करना होगा। अमाउंट क्या आएंगे अभी बता देता हूँ बच्चों मैं आपको। अर्जुन का कैपिटल अकाउंट डेबिट, नकुल का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भीम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, आप लोग इनके पूरे नाम लिखिएगा, अर्जुन नकुल और भीम। यहां पर तो 10,000 आ जाएगा भीम के सी गुडविल जो हमने भी निकाली थी, और इनका गेनिंग रेशियो था 1:4, है ना बच्चों। तो इस 10,000 को 1:4 के रेशियो में बांटेंगे तो 2,000 अर्जुन का आ जाएगा, 8,000 जो है वो नकुल का आ जाएगा। क्लियर बच्चों, अब रही बात उस प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ न्यू पार्टनरशिप को बांटने की, तो उसकी एंट्री बनती है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, आप लोग पूरा नाम लिखिएगा बच्चों, टू अर्जुन कैपिटल अकाउंट टू नकुल्स कैपिटल अकाउंट। ये जो प्रॉफिट बांटा जाएगा इन दोनों को, ये इनके नए रेशियो में बांटा जाएगा जो कि 3:2 है। प्रॉफिट है ₹1,00,000, इसको जब आप 3:2 के रेशियो में बांटेंगे तो 60,000 से अर्जुन क्रेडिट हो जाएगा, 40,000 से नकुल क्रेडिट हो जाएगा। तो कुल मिला के ये 3 एंट्रीज बनाई जाएंगी। ठीक है बच्चों, पुरानी गुडविल राइट ऑफ करने की एडजस्टमेंट एंट्री फॉर वैल्यूड गुडविल, और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ न्यू पार्टनरशिप। ये काम ओल्ड रेशियो में किया गया, ये काम गेनिंग रेशियो में किया गया, और ये काम न्यू रेशियो में किया गया। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है इलस्ट्रेशन नंबर 16 ऑफ चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, बुक है TS ग्रिवाल, एडिशन है 2024।